हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों में विशाल सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाए करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो ऐप है बहुत अमेजिंग है आज की इस ऐप की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा वहाँ से जाके आप इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इसके बारे में आपने ना सुना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों दोस्तों ये ऐप एक्चुअली क्या है ये पेड है इसके लिए आपको पेड पे करना होता है कुछ अमाउंट लेकिन आपको जो मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ से आप इसका फ्री वर्जन फुल्ली डाउनलोड कर सकते हैं पेड वर्जन में क्या होता है जब भी आप कोई वीडियो आ, इसकी ए, ए, एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे ये वाटरमार्क आएगा इसका लेकिन मैं जो प्रोवाइड कराऊंगा उसमें वाटर मार्क नहीं आएगा ओके दोस्तों तो वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अब दोस्तों स्टार्टिंग से मैं इसको फुल ट्यूटोरियल आपको बता देता हूँ यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्राइम मास्टर का प्लस के साइन पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं सिक्सटीन बाई नाइन का कर लेता हूँ ओके okay, दोस्तों अब दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा मैं आपकी बेसिक सेटिंग इसमें बता देता हूँ बेसिक नहीं है फुल टूटोरियल जैसा ही मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे जाके आप मीडिया पे जाके सबसे पहले आप मीडिया सेलेक्ट कर सकते हैं यानी कि जो भी चीज़ आपको फर्स्ट लेयर में शो करनी है चलिए मैं व्हाट्सएप की एक वीडियो ले लेता ले हूँ इस तरीके से एक वीडियो मैंने कैप्चर की हुई है वो मेरी वीडियो यहाँ आ चुकी है इसका देख सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं अगर मुझे एक लेयर मेरी यहाँ हो गई दूसरी लेयर चाहिए तो दूसरी लेयर आप मीडिया पे जाके अगर करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे वो इसको ओवरलैप कर जाएगी ओके okay, दोस्तों तो आपको लेयर पे जाना होगा लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाएंगे और यहाँ से आप दूसरी लेयर क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि मैं दूसरी वीडियो ये ले लेता हूँ ओके okay, करूंगा देखिए दूसरी लेयर आ गई और मैं इस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकता हूँ आप चाहते हैं कुछ लोग रिएक्शन वीडियो बनाते हैं तो इस तरीके से रिएक्शन वीडियो आप थोड़ा चेंज वगैरह कर कर आके कर सकते हैं इस तरीके से इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से और रिएक्शन वीडियो इस तरीके से लोग बनाते हैं ओके दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे जैसे कि लेयर पे जाके आप इफेक्ट डालना चाहते हैं टेक्स्ट डालना चाहते हैं हैंड राइटिंग डालना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं ओके दोस्तों ओवरले हैंड राइटिंग इफ़ेक्ट्स वगैरह जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इफ़ेक्ट्स में जाके आप बहुत सारे इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं बेसिक इफ़ेक्ट्स में जाके देख सकते हैं गोशन ब्लर ब्लर करना चाहते हैं तो ब्लर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे खुद देखने को मिलेंगी ओके दोस्तों तो आप देख सकते हैं ओके दोस्तों मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा इनकेस आपको कोई लेयर डिलीट करनी है तो यहाँ पर उस लेयर को आप इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं ओके दोस्तों ओके और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ओवरले का ऑप्शन भी है ओवरले के ऑप्शन में जाके क्लासिक स्टिकर वगैरह ये आपको देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं कैट मोर पे जाके अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ओके दोस्तों अब दोस्तों इसके अलावा और क्या ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है टैक्स डालना चाहते हैं वीडियो में तो टैक्स डाल सकते हैं हैंड राइटिंग करना चाहते है, हैं हैंड राइटिंग अगर आपको ज़्यादा ही अच्छी है यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं तो आप इस तरीके से यूँ करके यहाँ पे सेलेक्ट करके और वीडियो पे कुछ भी हैंड राइटिंग यूज़ कर सकते हैं ओके दोस्तों इसके अलावा वॉइसिंग का ऑप्शन है वॉइसिंग का ऑप्शन यानी कि जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ मैं चाहता हूँ मेरे बोलते बोलते चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएँ तो वो चीज़ आप वॉइस में जाके यूज़ कर सकते हैं ऑडियो ऑडियो अगर आपको कोई यूज़ करनी है तो ऑडियो भी आप यूज़ कर सकते हैं कैसे यूज़ करना मैं आपको बता देता हूँ ऑडियो में जाना है ऑडियो जितनी भी आपके इंटरनल स्टोरेज में पड़ी होंगी यहाँ पे जाके आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो तो काफ़ी अमेजिंग है ये एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी है ओके okay, दोस्तों तो यूज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा एक बीच के आइकन पे क्लिक करके आप चाहते हैं रिकॉर्डिंग करके जो भी रिकॉर्ड करें वो यहाँ पे शो हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं कैम रिकॉर्डर का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है ओके okay, दोस्तों तो काफ़ी अमेजिंग है ये एप्लीकेशन यूज़ करके जरूर देखिएगा अब दोस्तों जैसे कि आप कोई वीडियो सेलेक्ट करते हैं वीडियो में पर्टिकुलर लेयर पे जाके अगर आप इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि क्लासिक क्लिक ग्राफिक्स वगैरह स्पीड वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं जैसे कि इसकी स्पीड है ओके दोस्तों स्पीड इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं जैसे ही स्पीड मेंटेन करेंगे तो ध्यान रखिएगा वीडियो का साइज़ घट बढ़ जाएगा ओके दोस्तों ये डिपेंड करता है ओके दोस्तों अगर वन एक गुना करना है चार गुना करना है वो ऊपर ऑप्शन है इस तरीके से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं एक गुना करना है तो इस तरीके से चार गुना देख रहे हैं इसके पिक्सल बड़े होते जा रहे हैं पिक्सल कहने का मतलब है यहाँ का टाइमिंग वीडियो की क्लिप जो है बड़ी होती जा रही है ओके दोस्तों तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो काफ़ी अमेजिंग है ये यूज़ करके ज़रूर देखिएगा ओके okay, दोस्तों म्यूट करनी है किसी सेक्शन की जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है इसको म्यूट करना है तो आप इसे म्यूट भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके ऑडियो मेंटेन कर सकते हैं इनकेस अगर आप करना चाहते हैं तो ओके okay, दोस्तों तो यूज़ कीजिएगा दोस्तों बहुत कुछ है इस एप्लीकेशन में यूज़ करने जैसा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप ओवरले एनिमेशन देना चाहते हैं क्रोमा स्क्री क्रोमा की यूज़ करना चाहते हैं यानी कि ग्रीन स्क्रीन वाला जैसा कि आपको पता ही होगा अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर वीडियो अच्छे लेवल की आप जानते हैं तो रिवर्स करना चाहते हैं तो रिवर्स कर सकते हैं रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं रोटेट का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ओके दोस्तों कलर फिल्टरिंग करना चाहते हैं एडजस्टमेंट करना चाहते हैं ये सारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है वॉइस चेंजर एक और ऐसा ऑप्शन है ऑडियो में जाके आप यहाँ पे किसी भी तरीके की वॉइस चेंज कर सकते हैं जैसे कि नॉर्मल वॉइस है तो उसमें जाके आप एडिटिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी से यहाँ पे एडिटिंग करके उसमें ऑडियो को आप चेंज कर सकते हैं ओके okay, दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऑडियो को अपने अकॉर्डिंग घट बढ़ा सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ओके okay, दोस्तों जैसा आपको अच्छा लगे अगर आप एक अच्छी सी वीडियो बना लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे जाके आप एक और ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे देख सकते थ्री डॉट पे जाके आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं किसी भी लेकर डुप्लीकेट करना चाहते हैं या फिर ए, अपने अकॉर्डिंग सेंट्रल हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं सेटिंग पे ये डिपेंड करता है इस तरीके से तो आप इसे कर सकते हैं ओके दोस्तों तो यूज़ करके ज़रूर देखिएगा तो इसके अलावा यहाँ से डिलीट कर सकते हैं आप डिलीट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी इस तरीके से ऑडियो पे जाइए और इसे डिलीट कर सकते हैं तो और बाकी कुछ मैं आपको बहुत सारा बता चुका हूँ आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली अच्छी लगी होगी ऐप ओके दोस्तों कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ओके okay, दोस्तों तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय दोस्तों और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट भी इजीली कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर इस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा यहाँ पे आके आप बैक हो जाते हैं ओके दोस्तों और दोबारा जाके यहाँ पे इस पे जाके उसी प्रोजेक्ट को खोल सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जाके शेयर करना होगा और एक्सपोर्ट कर सकते हैं रिजोल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी रिजोल्यूशन आपको चाहिए इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं फ्रेम रेट भी आप मेंटेन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा वो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी ओके दोस्तों तो उम्मीद है समझ में आई होगी ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेलाइकन को दबाना ना भूलें बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय दोस्तों